नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। मणिपुर पर सड़क से लेकर संसद तक इस वक्त संग्राम छिड़ा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि पूर्वोत्तर की सेवन सिस्टर्स कहे जाने वाले 7 राज्यों में से एक मणिपुर में हालात बेहद भयावह हैं, बेकाबू हैं। मणिपुर को लेकर जो सियासत देश में हो रही है वो तो अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा देश में मीडिया का एक वर्ग भी ऐसा है जो मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच के गतिरोध को अपने प्रोपेगेंडा के हिसाब से तथ्यहीन और फर्जी खबरें दिखाकर आपके सामने परोस रहा है। मणिपुर का मामला जितना संवेदनशील है, उस मामले में कुछ पत्रकारों की रिपोर्टिंग उतनी ही गैर जिम्मेदाराना है। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही डिजाइनर पत्रकारों को आपके सामने एक्सपोज करेंगे। ये पत्रकार कहने को तो मीडिया के दिग्गज कहे जाते हैं, रिपोर्टिंग को लेकर निष्पक्षता की बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है ये हम आपको बताते हैं। दरअसल ऑफ इंडिया पर छपी एक खबर के मुताबिक वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्त पर सवाल उठ रहे हैं। 24 जुलाई को राजदीप सरदेसाई ने एक बीजेपी विधायक की पत्नी का इंटरव्यू लिया था जो मणिपुर की कुकी जनजाति से आते हैं। इस साल मई में मणिपुर में अशांति फैलने की वजह से कुकी विधायक पर इम्फाल में गुस्साई भीड़ द्वारा कथित तौर पर हमला किया गया था। बीजेपी के कुकी विधायक वुंग जागिन वाल्टे पर मई में मैतेई भीड़ द्वारा कथित तौर पर हमला किया गया और जिसमें उन्हें काफी गंभीर चोटें भी आई थी। इंडिया टुडे की जो रिपोर्ट कहती है वो ये कहती है कि वो अब अपनी चोटों से फिलहाल उबर रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक घायल विधायक की पत्नी ने बताया कि वो उनके ठीक होने और उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में वापस ले जाने का इंतजार कर रहे हैं। मोइनू वाल्टे ने कहा था कि उनके पति ने इस हमले से पहले कभी एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली थी और अब वो बस उनके दोबारा ठीक होने और अपने पैरों पर खड़े होने का इंतजार कर रहे हैं। इस इंटरव्यू में मोइनू वाल्टे ने इस बात पर भी निराशा जताई कि उनके पति बीजेपी विधायक हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके ठीक होने के दौरान पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने उनसे मुलाकात आकर के नहीं की। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि मणिपुर विधानसभा में बहुत सारे आदिवासी विधायक हैं, लेकिन केवल 3 विधायक ही मेरे पति से मिलने आए। इस पूरी बातचीत को लेकर राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि जब मिसेज वाल्टे मुझसे कहती हैं अपने आंसू रोकना मेरे लिए मुश्किल है, मेरे पति ने SBI में 27 साल काम किया, कभी एक दिन की छुट्टी नहीं ली, कभी सोना नहीं चाहते थे, आज वो बिस्तर पर हैं, हमने क्या किया है, क्या आप इसके लायक हैं। इसके आगे राजदीप सरदेसाई अपने ट्वीट में कहते हैं कि अफसोस की बात है कि केवल कुछ मंत्री, विधायक या सांसद ही दिल्ली के एक छोटे से किराए के फ्लैट में उनसे मिलने के लिए गए। वो इम्फाल के बीच एक भयानक हमले से उबर रहे हैं, सांसदों को उनकी कहानी भी मालूम नहीं है। उनके परिवार का कहना है कि CM ने एक बार फोन किया था और वो सत्तारूढ़ पार्टी BJP के विधायक हैं। अपराधी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, सहानुभूति और जवाबदेही का क्या हुआ। इस तरह का ट्वीट राजदीप सरदेसाई ने किया। उनके अलावा बरखा दत्त ने भी BJP विधायक के इस परिवार का इंटरव्यू लिया था। उन्होंने उन्हें बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री ने केवल उन्हें एक बार बुलाया है और उसके बाद उन्होंने शायद ही कभी BJP से बात की हो। उनका यह भी दावा है कि उन्हें पार्टी या सरकार से किसी तरह की कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली। अब मणिपुर में जो कुछ हुआ वो वाकई में चिंतनीय है, लेकिन परिवार ने कई मीडिया संस्थानों के सामने दावा किया कि उन्हें पार्टी या राज्य सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। अब यही दावा सवालों के घेरे में है। विधायक वुंग जागिन वाल्टे के साथ जो कुछ हुआ उसे लेकर ठोस कदम उठाने की जरूरत तो बिल्कुल है, इसे हम भी मना नहीं कर रहे, लेकिन परिवार को वित्तीय सहायता न मिलने का दावा कितना सही है, क्योंकि ऑफ इंडिया पर जो रिपोर्ट छपी उसके मुताबिक ऑफ इंडिया ने उस एयर एम्बुलेंस की रसीद हासिल की जिसे सरकार ने भीड़ के भयानक हमले के बाद विधायक के लिए किराए पर लिया था और वाल्टे को दिल्ली के अस्पताल तक पहुंचाने के लिए कुल 46 लाख रुपए से भी ज्यादा खर्च किए गए थे। विधायक को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए इम्फाल से दिल्ली ले जाने वाली एयर एम्बुलेंस भोपाल की थी। ये भोपाल से दिल्ली गई, दिल्ली से इम्फाल और फिर वापस ये दिल्ली आई, फिर से भोपाल में इसकी वापसी हुई। ऑफ इंडिया के मुताबिक जो उनके सूत्र कह रहे हैं उन्होंने इसमें पुष्टि की है कि मुख्यमंत्री ने BJP विधायक और उनके परिवार को उनके खर्चों को पूरा करने के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की थी। दिलचस्प बात यह है कि विधायक के बेटे ने
राजदीप सरदेसाई से ये भी कहा था कि वो चाहते हैं कि लोग मणिपुर के लिए प्रार्थना करें। हालांकि उन्होंने ये कहकर मैतेई और कुकी समुदायों के बीच खाई को और भी ज्यादा गहरा कर दिया कि अगर मैतेई विधायक के साथ ऐसा हुआ होता तो फिर उनका परिवार ऐसा करता? टीवी पर आकर ड्रामा किया है जो वो नहीं करना चाहते। मीडिया लंबे समय से मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच विभाजन को गहरा करने का खतरनाक खेल खेल रहा है। ये तो हमने आपको एक वानगी दिखाई। राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्त जैसे पत्रकार इस नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं कि सरकार मैतेई समुदाय के प्रति उनके व्यवहार में पक्षपातपूर्ण रही है। हालांकि ये जो पूरा नैरेटिव है ये एक कोरा झूठ है। वास्तव में मीडिया के एक बड़े हिस्से ने मैतेई समुदाय की हत्याओं पर चुप्पी बनाए रखी है और कुकी समुदाय के खिलाफ अत्याचारों को बढ़ाया है, जबकि उसे दोनों ही पक्षों की हिंसा को निष्पक्ष तरीके से कवर करना चाहिए था। ये पत्रकार भी मणिपुर के जलने के उतने ही बड़े गुनहगार हैं जितने की वहां आग लगाने वाले दंगाई। ऑफ इंडिया ने यह पुष्टि करने के लिए घायल विधायक के बेटे जोसेफ वाल्टे से संपर्क करने की कोशिश जरूर की कि क्या पार्टी ने एयर एम्बुलेंस सहायता और आर्थिक सहायता राशि दी थी। हालांकि वाल्टे का जो फोन था वो बंद आया। मैतेई और कुकी आदिवासियों के बीच मौजूदा संघर्ष पहाड़ी बनाम मैदानी संघर्ष का ही विस्तार है, जो पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्यों में ये समस्या मौजूद है। मणिपुर में मैतेई बहुसंख्यक समुदाय है जिसमें लगभग 53% आबादी शामिल है, जबकि आदिवासी समुदायों की जो कुकी आदिवासी समुदाय है उनकी आबादी लगभग 40% है। नागा और कुकी जनजातियों को ST की सूची में शामिल किया गया है। वहीं मैतेई समुदाय के ज्यादातर लोगों को OBC का दर्जा हासिल है और उनमें से कुछ एक को SC के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है और अब उनकी मांग ST का दर्जा उन्हें दिए जाने की है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मणिपुर के बेहद संवेदनशील मुद्दे पर पत्रकारों की इस गैर जिम्मेदाराना प्रोपेगेंडा बेस्ड रिपोर्टिंग को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।